हेलो गाइस, रिक्वायरमेंट गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, एक और नए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप पद के लिए 10th और ITI पास आउट छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 12 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म एक्सेप्ट होने लगे हैं और आपका 25 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए जल्दी से आपको अप्लाई कर देना है। और गाइस, यहां पर सबसे अच्छी बात आपको यहां पर रहने वाली है कि आपको अप्लाई करने का कोई भी आपको यहां से शुल्क नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको यहां पर अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डायरेक्टली आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैं आपको लेकर के चलूँगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करें। और गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी तरह की जॉब के अपडेट्स बिल्कुल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल से डेफिनेटली जुड़ के रहिए। और तो आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लाया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के द्वारा ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। गाइस, यहाँ पर आपका जो आपका नोटिफिकेशन है वो 12 अक्टूबर 2022 को आपका यहाँ पर अपलोड किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट आपका 12 तारीख से अप्लाई होने लगे हैं, तो आपको 26 तारीख से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। गाइस, यहाँ पर जो एलिजिबल होंगे ITI और 10th पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए कंपनी आपको हायरिंग करने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर ITI में कौन कौन से ट्रेड लिए जाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ITI में डेजिग्नेट ट्रेड नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपका स्टाइफंड क्या मिलने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर 46 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, फिटर के लिए आपका 36 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, बेल्डर के लिए 47 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, मशीनिस्ट के लिए आपका 10 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपका 15 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आपका रहने वाला है 14 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए आपका 6 पद के लिए रहने वाला है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपका 4 पद के लिए रहने वाला है, उसके बाद आपका पेंटर जनरल के लिए आपका 10 पदों के लिए रहने वाला है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए आपका 10 पद आपका रहने वाला है, और उसके बाद शीट मेटल वर्कर के लिए 47 पद, शिप राइट वुड कारपेंटर के लिए 19 पद, मैकेनिकल डीजल के लिए 37 पद, और आपका पेंटर पाइप के लिए आपका 37 पद, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए आपका 10 पद। टोटल यहाँ पर 348 पदों के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई करें। स्टाइफंड जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा 8,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर स्टाइफंड आपको दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के दौरान, ठीक है। टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पर करवा जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पर जो आपका पद रहने वाला है 348 आपका यहाँ पर हो गया और 8 पद आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए आपका टैक्सेशन के लिए आपका 1 पद रहने वाला है, बेसिक नर्सिंग एंड पैलिएटिव केयर के लिए आपका 1 पद रहने वाला है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए 2 पद आपका रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए आपका 1 पद आपका रहने वाला है, फूड एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए आपका 3 पद आपका रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 8 पद आपका रहने वाला है, जिसमें आपको स्टाइफंड जो दिया जाएगा 9,000 रुपये आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ITI ट्रेड एंड अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसशिप आपका रहने वाला है, 10th प्लस आपके पास ITI होना जरूरी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट NTC इन द कंसर्न ट्रेड ऑफ रेफरी रेफर टेबल, ठीक है, ये आपके पास NTC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पर पास इन वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल से आप पास आउट होने चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एज लिमिट यहाँ पर रखा गया 18 साल से लेकर 26 साल आपका रखा गया है, 18 साल से लेकर 26 साल के जो कैंडिडेट्स, इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई करें। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका जो रहना चाहिए अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से क्लच 4 आपका रहना चाहिए, ठीक है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, ओनली केरला राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं केरला से, वही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका केरला का आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन आपको तभी दिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। तो जो केरला के कैंडिडेट्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करने जाएंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली केरला राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन गाइस, यहाँ पर आपको 1 साल के लिए कंपनी आपको हायरिंग करने वाली है,
सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका करवाया जाएगा, जिसका ईमेल के जरिए आपको यहाँ पर आपको अपना ईमेल चेक करते रहना अप्लाई करने के बाद। उसमें आपको जो सिलेक्शन होगा जिनका उनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डेफिनेटली जुड़िए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, जब भी इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रेवल एक्सप्रेस यहाँ पर आपको ट्रेवल की सुविधा नहीं दी जाएगी, बोर्डिंग एंड लोडिंग की सुविधा भी आपको नहीं दी जाएगी, आपको अपने तरफ से आपको करना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका नील रहेगा, आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको चले जाना है। www.cochinshipyard.in ये आपका लिंक रहने वाला है, वहाँ पर आपको करियर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको इसमें अप्लाई कर देना है। पूरा फॉर्म आपको सबमिट करके पासपोर्ट साइज कलर फोटो और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसमें आपको अप्लाई कर देना है। यदि आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी आए तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं इसमें इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे लेटेस्ट जेन्युइन जॉब के अपडेट्स पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।